नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में। देखेंगे कि आखिर किस तरह से महात्मा बुद्ध पुनः जागरण के अग्रदूत बने। तो ये आर्टिकल अभी किस लिए चर्चा में है उसको भी देखेंगे हम लोग, और महात्मा बुद्ध का एक जीवन परिचय यानी कि उनका जीवन काल देख लेंगे। बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलू क्या रहे हैं और बुद्ध दर्शन के नकारात्मक पहलू क्या रहे हैं उन्हें भी देख लेंगे, और महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता क्या है आज भी उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। उन्हीं में से एक महान विभूति गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भारतीय वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियां पनप गई थी उन्हें पहली बार ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दी थी। बुद्ध ने वैदिक परंपरा के कर्मकांडों पर कड़ी चोट की, किंतु वेदों और उपनिषदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं को किसी ना किसी मात्रा में अपने दर्शन में स्थान दिया, और इसी प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक बने बनाए ढबले से हटाकर उसमें नवाचार की गुंजाइश पैदा की। मध्यकाल में कबीरदास जैसे क्रांतिकारी विचारक पर महात्मा बुद्ध के विचारों का गहरा प्रभाव दिखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी वर्ष 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बुद्ध धर्म अपना लिया था। तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया था कि क्यों उन्हें महात्मा बुद्ध शेष धर्म प्रवर्तकों की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक नजर आते हैं। आधुनिक काल में राहुल सांकृत्यायन जैसे वामपंथी साहित्यकार ने भी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर जीवन का लंबा समय बुद्ध को पढ़ने में व्यतीत किया। बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन बिताते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइयों में स्थित लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्मदिन पर वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है। या महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ठीक है। यह सर्वविदित है कि युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। इसके विपरीत एक प्रसन्नचित्त सन्यासी से प्रभावित होकर बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, तभी इनके मन में सन्यासी बनने की एक चाहत पैदा हुई। रोगी था, वृद्धावस्था और मृत्यु, और चौथा था इसमें सन्यासी। महात्मा बौद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्म बोध प्राप्त किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बौद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको इनका जन्म हुआ, उसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी दिन की मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। निर्वाण। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया यानी कि जोड़कर रखा। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समानुक्रमित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 3 मुख्य पिटक बने। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मतावलंबियों के लिए व्यवस्था के नियम। सूत पिटक,
यानी कि बुद्ध के उपदेश सिद्धांत इसमें शामिल थे। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध दर्शन समाहित है, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सबको पाली भाषा में लिखा गया, इन सभी पिटकों को संयुक्त पाली भाषा में लिखा गया त्रिपिटक को। अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में। बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार आत्म दीवो दीपो भावा, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिए। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध के दर्शन का दूसरा प्रमुख विचार मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु लौकिकता के स्तर पर इसका अभिव्याय सिर्फ इतना ही है कि किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार संवेदनशीलता है। यह संवेदनशीलता का अर्थ है कि दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता। वर्तमान में मनोविज्ञान जिसे समानुभूति एम्पैथी कहता है, वह प्रयास वही है जिसे भारत में संवेदनशीलता कहा जाता रहा है। बुद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख विचार यह है कि वे परलोक की बजाय यह लोक बालवाद पर अधिक बल देते हैं। गौरतलब है कि बुद्ध के समय पिछले दर्शनों में चावार्ग के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे थे। उनके विचारों का सार यह था कि यह लोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक सत्य है। इससे निरर्थक कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता था। बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज किया। बुद्ध दर्शन का पांचवा विचार प्रमुख विचार यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अहंकार का अर्थ है मैं की भावना, यह मैं ही अधिकांश झगड़ों की जड़ है, इसलिए व्यक्तित्व पर अहंकार करना एकदम निरर्थक है। बौद्ध दर्शन का छठा प्रमुख विचार हृदय परिवर्तन के विश्वास से संबंधित है। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावनाएं होती हैं। जरूरी यह है कि उस पर विश्वास किया जाए, उसे समुचित परिस्थितियां प्रदान की जाए। तो ये थे आपके बुद्ध दर्शन के सकारात्मक पहलू, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं बुद्ध दर्शन के नकारात्मक पहलू। क्या होता है कि हर आदमी में कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। कोई भी काम हो, आदमी से मतलब नहीं है, अगर सिक्का भी देखते हैं तो उसके भी दो पहलू होते हैं। तो आपने महात्मा गांधी का, जब आप कुछ लिखते हैं महात्मा गांधी पर लिखने के लिए जाता है, तो उनके भी बारे उनकी गलतियां भी हम लोग उजागर करते हैं, ठीक। तो इनके नकारात्मक पहलू की यानी कि नेगेटिव पॉइंट की बात करें, बुद्ध का सबसे कमजोर विचार उनका यह विश्वास है कि संपूर्ण जीवन दुखमय है। उन्होंने जो चार आर आय सत बताए, उनसे पहला सर्वम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है। इस बिंदु पर बुद्ध एक तरफा झुके हुए नजर आते हैं। जबकि जीवन को ना तो सिर्फ दुखमय कहा जा सकता है ना सिर्फ सुखमय। सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाषा ही भी प्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित करते हैं। बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्वपूर्ण खामी नारियों के अधिकारों के संदर्भ में दिखती है, जैसे महिलाओं को शुरुआत में संघ में प्रवेश नहीं देना। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश ना होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता, पर वह 500 वर्ष ही चल पाएगा। जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम। बात करते हैं महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता आखिर क्यों। महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के
एक महान विभूति है। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए। वर्तमान समय में बुद्ध के स्वनिर्णय के विचार का महत्व बढ़ जाता है। दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं ना लेकर दूसरों की सलाह पर लेता है, अतः वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का आत्म दीपो भावा का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। उनके इन विचारों की पुष्टि इस कथन से होती है कि वीणा के तार को उतना नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट ही जाए, या फिर उतना भी उसे ढीला नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उससे स्वयध्वनि ही ना निकले। दरअसल आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं, जैसे सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद तथा जातिवाद इत्यादि। इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही रही कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस दृष्टिकोण से इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह या फिर मॉब लिंचिंग विचारधारा को कट्टर रूप में स्वीकार करने वाला कोई समूह या अन्य समूह सभी के साथ मूल समस्या नजरिए की है। महात्मा बौद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज का अति होना घातक होता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। महात्मा बौद्ध का यह विचार कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्राप्ति या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल ही में अर्थ अवर शूट डे की रिपोर्ट से होती है, जिससे यह पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिए वह 8 माह में ही समाप्त हो जाते हैं। आपने गांधी जी का एक वक्तव्य सुना होगा या उनका पढ़ा हुआ कहीं आपने, कि कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास जो प्रकृति है ये हमारा सबका भरण पोषण कर सकती है, आराम से सबकी जो भी जरूरत है उसे पूरा कर सकती है, लेकिन एक सिर्फ लालची व्यक्ति की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप इससे संतुलन बना के रखेंगे तो ये आपका भरण पोषण करने के लायक है, उसमें इतनी दम है, लेकिन अगर आप लालच से उसका उपयोग करेंगे तो वो कम पड़ जाएगी। ठीक, निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है, प्रत्येक विचारक की तरह बौद्ध कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर नहीं कर पाते हैं। विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बात चुन लें, जो अनुपयोगी हैं उन्हें त्याग दें। बुद्ध से जो सीखा जाना चाहिए वह यह है कि जीवन का सार संतुलन में है, उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को अंधानुकरण करने के बजाय स्वयं अपना रास्ता बनाना चाहिए। तो ये थे महात्मा बौद्ध, आप भी कुछ इनके बारे में पढ़िए। ठीक है।